आज हम जा रहे हैं भद्रेश्वर महादेव। ये अभिनव है, बाय ट्रेकिंग जाना है हमें। अभी हम ये नीचे से घाट चढ़कर आए हैं, इसके बाद में अब ट्रेकिंग के थ्रू 3 किलोमीटर जाना है। ये लाला और अंकित, मनीष और संचित, अभिनव और ये मैं। बहुत मजे आ रहे हैं। जय भोलेनाथ। ये देखिए, आप रास्ता देख ही रहे होंगे, रास्ता है ही नहीं, रास्ता बनाया जा रहा है और पूरे जंगल के बीच में से होकर जाता है। अभिनव है आपके सामने कैमरा पर, उस साइड चले गए। शायद हम रास्ता भटकने का इस चीज का भी डर है, पर हम पगडंडी को फॉलो करते हुए जाएंगे। इधर हमारे कुछ दूसरे फ्रेंड्स अभी आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये है, ये देखिए हमारे दूसरे फ्रेंड्स। इसमें है अंकित, मनीष, लाला और संचित। अच्छा, तो यहाँ पर मनीष की सगाई की बात चल रही है। ये देखिए, ये है, अभी अभी एंगेजमेंट हुई है और शर्मा रहा है लड़का। अच्छा, तो आप क्या बोलना चाहेंगे अंकित मनीष की? मनीष जी, हम वही बता रहे हैं, जिस सगाई के बाद इनका नेचर देख रहे हैं, तो ये पहली शादी में बिल्कुल खुश नहीं थे, अब शादी के लिए खुश हुआ, तो इनको विवाह मूवी जैसा किसी ने समझाया है। शादी और सगाई के बीच का जो जीवन, जो समय रहता है, बोले जीवन में बहुत महत्वपूर्ण और यादगार रहता है। अच्छा, और इस जर्नी के बारे में क्या बोल रहे हैं आप? जर्नी के बारे में जैसा पानी। हाय संचित। हाय बड़ी, कैसा लग रहा है? बहुत शानदार है। हम लोग आर यू एंजॉयिंग? हम लोग नया डिस्कवर किया है, हम लोग जा रहे हैं ओमेश्वर महादेव। नहीं, खोदेश्वर महादेव। खोदेश्वर महादेव। हर हर महादेव। हाँ, जानते हैं। हाँ, बोलिए कुछ। हम नहीं बोलेंगे। अभिनव, बहुत दिनों से हम प्लान कर रहे थे यहाँ पर आने का। हाय मनीष। टाइम में कवर कर लोगे? बाटल के गुटके में। से समथिंग। कांग्रेचुलेशंस मनीष। स्मार्ट बॉय। आपको भी थैंक यू। हाँ, तो जर्नी के बारे में कैसा लग रहा है आपको? अभी हम जो जहाँ जा रहे हैं, जहाँ कैसा ये वे एटमॉस्फेयर? घूम रही है इनके अंदर यहीं भी। तो अमर भाई, मेरे सारे फ्रेंड्स ने बताया कि उन्हें कैसा यहाँ का अंबर, तुम्हारा महादेव वाला लुक बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, रास्ता थोड़ा थोड़ा कठिन होता जा रहा है। ये साइड में खाई है और उसके साइड साइड में भी चलना है। ये देखिए, हमारे जवान जा रहे हैं। हाँ जवान, चलते जाओ,
कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे। ओ, 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 इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। शंकर नाथ रे चाहता है, हो गोरा भांग रगड़ता रोली तेरे साथ कभी न बीते चुकीले दिन रे, शंकर नाथ रे चाहता है हम न रहे कभी यारों के बिन। मैं आया दी झोली खाली लाया दिन दिन भर खाली झोली हरी बातें मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की मस्त में रहे डूबाड़ो हमेशा सवारी। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी भोलेनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ शंभु नाथ रे, बोल शंभु, बोले शंभु। हाय फ्रेंड्स, हम लगभग आधी दूरी तक आ चुके हैं, तो देख सकते हैं आप इस साइड बहुत ही अच्छा व्यू, बहुत मजा आ रहा है, थोड़ी थोड़ी थकान भी हो रही है, पर उसका लाला जी लंच का बोल रहे हैं, लंच के बाद हम जहाँ रुके जहाँ भी जाए, जो हम चाहें वो हम पाए, मस्ती में रहे डूबाड़ू चाहता है।
देखिए ऑन द वे हमें एक झरना मिला है, बहुत ही प्यारा झरना है, इतना अच्छा झरना है और झरने का पानी पी रहे हैं। वाओ, हाँ बेहतर पानी है, पी सकते हैं। एकदम वाइल्ड लाइफ लाइव बाबा, कैसा लग रहा है ए? इधर पीछे देख के एक बार। शुरुआत है जाना किधर है, जो वक्त आए जाने क्या दिखाए। देखिए वहाँ, अगर आप देख पा रहे हैं, दूर डिस्टेंस पर हमें जाना है। अगर आपको देख रहे हैं, ये देखिए मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये जो एरिया है यहाँ हमें जाना है। ये सीढ़ी है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, पर वहाँ हमारी डेस्टिनेशन है खोदरेश्वर महादेव। बोल बम, यहाँ पर आवाज भी हो रही है, शायद आपको सुनाई दे, देखता हूँ मैं। बोल बम, बोल बम। ये पूरा पहाड़ के साइड साइड रास्ता, एक पगडंडी बनी हुई है जिसके थ्रू हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए बहुत ही रिस्की रास्ता है, सिर्फ यंग लोग यहाँ आ सकते हैं। अगर किसी को भोले के दर्शन करना हो, खोदरेश्वर महादेव के, एजेड हो, गाड़ी से आना चाहते हो, तो चोरल डैम के पास से भी एक रास्ता है जो कि डायरेक्ट वहीं जाता है। अभी मैं रास्ते पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, ये मुझे एक लकड़ी दे दी है, इसको तोड़ लेते हैं, क्योंकि ट्रेकिंग में लकड़ी बहुत ज़रूरी है। आपके पास एक स्टिक होनी चाहिए, रास्ता बहुत कठिन है। ये कौन होता है फूलों में कोई कर, बाहर बेचैन है किसके धुन पर, ये कौन हंसता है है समय पैया, बाहर बेचैन है किसके धुन पर,
गुनगुन कहीं रुन झुन के जैसे नाचे जमी सुहा यूं ही चला चल रही यूं ही चला चल रही कितनी हसीन है ये दुनिया दूर सारे झमेले देखो फूलों के मेले कितनी रंगीन है ये दुनिया दूर वो जाने किसका गाँव है इंदिन तारा इंदिन तारा इंदिन तारा इंदिन तारा इंदिन तारा इंदिन तारा दुनिया चलना उछल कर तो जैसे अल्हड़ चले पीछे मिलकर थैंक यू थैंक यू गॉड। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए अब हम आ गए हैं मंदिर के पास। ये देखिए फ्रेंड्स, अब आ गए हम मंदिर के पास खोदरेश्वर महादेव। ये यहाँ से हम नीचे आए हैं, ये सा रास्ता है। यहाँ कुछ गवर्नमेंट ने या फिर ट्रस्ट ने रेलिंग बना रखी है नीचे उतरने के लिए। दूर देख सकते हैं आप कितना सुंदर नेचर देखने को मिल रहा है। बहुत सुंदर जगह है, आप सब लोग एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। ये मध्य प्रदेश के इंदौर और खरगोन के बीच में आता है, मंडलेश्वर के नज़दीक है खोदरेश्वर महादेव। ये देखिए ये रास्ता जा रहा है नीचे, बहुत सुंदर, बहुत ही एडवेंचर से फुल। जिन्हें ट्रेकिंग या माउंटिंग का शौक है वो लोग आ सकते हैं इधर। बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत सुंदर जगह पर खोदरेश्वर महादेव। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, हमें डर है हम तो न जाए कहीं। बादलों की छाव जंगल की एक प्रजाति है जो डायनासोर आप पहचानते होंगे, उसकी एक छोटी मौसी है। उस प्रजाति का जानवर है, कीड़ा है, जंतु है। देखिए इसका नाम क्या है? इसका नाम हमने अभी अभी रखा है क्योंकि हम सब बामन आए हैं। नहीं, इसका नाम बामन साहब से पहले से ही है। पहले से ही है। इसकी पूछ को हाथ लगाने से पैसा मिलता है। आगे झरने की आवाज आ रही है, झरना लगता है नजदीक ही है। आप भी सुन सकते हैं मेरे फ्रेंड्स आवाज लगा रहे हैं, एक्साइटमेंट समझ सकते हैं। ये देखिए झरना आ गया है और यहाँ पर बाबा ने दर्शन दे दिए। ये देखिए काफी लोग आए हुए हैं यहाँ पर पर्यटन स्थल पर। ये देखिए कुछ लोग नाश्ता भी कर रहे हैं यहाँ पर। घर से झरना आ रहा है, आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा ज़ूम करता हूँ। हर तरफ से झरना बेहतर नीचे जा रहा है। सब साथ एंजॉय नाश्ता ही है। पीपल सार ऑल्सो हियर एंड फाइनली वी रीच्ड एट द झरना प्लेस वेयर वी कैन टेक बाथ
पर हम लोग नहीं लेंगे। और खोदेश्वर महादेव का मंदिर भी पहुंच गए हैं, देखिए आपको बताता हूँ आगे। ये गुफा के अंदर आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर है भगवान का मंदिर। ओह गॉड, देखिए यहाँ चप्पल उतार रहे होंगे। अब यहाँ से हम आगे जाएंगे, ये देखिए आप देख सकते हैं ये ऊपर से झरना आ रहा है और झरने के बिल्कुल इस साइड झरना जाता है नीचे, और झरने के अंदर है ये महादेव मंदिर। इसके अंदर जाना होगा, अंदर जाते हैं इस गुफा के तो दर्शन होते हैं। अभी काफ़ी भीड़ है, कुछ देर बाद हम अंदर जाएंगे, जब तक के लिए आप वेट करिए। भोले शंभो भोलेनाथ। ये देखिए आप, यहाँ से है एंट्रेंस और यहाँ है खोदेश्वर महादेव। आवाज भोले शंभो भोलेनाथ, भोले शंभो नमः शिवाय।